हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आप देख रहे हैं खान का वीडियो ब्लॉग। आज हम लोग आ चुके हैं बांद्रा की सरजमी पे, हजरत पीर मोहम्मद सूफी सुल्तान शाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में। तो आज का क्या कैसा माहौल रहेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, सरकार की हिस्ट्री पूरी बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो हिस्ट्री सुनते ही इंशाल्लाह आप लोगों का ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो गाइस वीडियो पे एंड तक बने रहेगा और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलिए से हम लोग को लेफ्ट की तरफ जाना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के बाजू से ही रास्ता है। तो क्या कैसा मार रहा है हम आप लोग बताऊंगा, तो गाइस वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, अभी हमारे सामने मस्जिद है और मस्जिद के बाजू से ही गली गई हुई है हज़रत मौलाना शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में जाने के लिए। तो क्या कैसा मार रहा है हम आप लोग बताऊँगा, अभी मैं कैमरा घुमा के आप लोगों को दिखाता हूँ, तो वीडियो पे एंड तक। आप लोग देख सकते हैं पीछे ही गेट है, अभी हम अंदर जाएंगे गली में और उतनी दरगाह शरीफ है। तो क्या कैसा माहौल है मैं आप लोग बताऊंगा, तो वीडियो पे एंड तक बने रहेगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आगे क्या कैसा माहौल है। फाइनली हम लोग दरगाह पे पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी पीछे ही गेट है, अभी हम लोग अंदर जाएंगे और उधर के जो भी खादिम हज़रात होंगे हम लोग उनसे पूरी जानकारी करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। तो माशाल्लाह गाइस आप लोग देख सकते हैं ये है इधर का वजू खाना, अभी इधर पे वजू बनाएंगे हम लोग और अंदर जाएंगे। तो क्या कैसा माहौल रहेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो गाइस वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी करामती दरगाह है माशाल्लाह,
और काफी अच्छी हिस्ट्री बताने वाला हूँ आज आप लोगों को। सो गाइस, चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं गाइस। लोग देख सकते हैं काफी खूबसूरत नजारा है इधर का। तो अभी मैं आप लोगों को सरकार की जियारत करा देता हूं पहले, फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को हिस्ट्री बताऊंगा सरकार की। तो गाइस वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो क्या कैसा माहौल है मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा और लाइव जियारत कराऊंगा सरकार की। तो गाइस अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को इस दरगाह के बारे में नहीं मालूम आते वो मालूम पड़ जाए। हज़रत पीर मौलाना सूफ़ी सुल्तान नक्शबंदी, आपकी विसाल 1328 उर्दू और इंग्लिश 1910। आप पंचीर गांव से आए, आपको हुक्म हुआ आप मदीना जाओ, मदीना से आप इराक गए, फिर इराक से आप पानी पे चलते हुए बम्बई आए। और बम्बई कुलाबा आपको मालूम है, बम्बई कुलाबा नेवी नगर उधर एक दरगाह है, वो मज़ार थोड़ी क्रॉस है, वो भी हमारे मतलब ख़ानदान में सही है। वो पीछे जो है ना हजरत के पीछे जो फोर्ट खड़े, वो मेरे दादा है यूनुस बाबा उनका नाम है, वो वहाँ से मतलब हम लोग का सिलसिला सब चालू हुआ ऐसा, वहाँ से उनका सिलसिला चालू हुआ। तो फिर आप पानी पे नमाज पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे, आपकी नक्शबंदी सिलसिला नक्शबंदी सिलसिला। तो वहाँ पे आप जाते थे आते थे, तो एक बार मेरे दादा ने देखे, बोले इस शख्स कौन है जो आ रहा जा रहा। तो मेरे दादा ने पकड़ लिए, बोले हजरत आप वहाँ पे पकड़ लिए, फिर कुछ करामत आपने बताए थे। तो वहाँ से मेरे दादा ने बोले कि हजरत आप जा जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे आऊँगा। तो आपने बम्बई गए, शोलापुर गए, शोलापुर में एक बीमारी निकली थी, कोरोना किसी थी वैसी एक कुछ अलग बीमारी थी। तो वहाँ पर वहाँ के लोग आए थे कि हजरत हम लोग बहुत तकलीफ़ में है। तो आप शोलापुर भी गए, शोलापुर में गए वहाँ की जो तकलीफ बीमारी है वो ख़त्म करके फिर आप आए। कुल शोलापुर में एक होटल है, वहाँ पर स्टार होटल है कुछ, होटल का नाम भी मेरे को मालूम नहीं, छोटा था तब गया था, मेरे वालिद साहब को मालूम है। तो वो होटल में हजरत की फ़ोटो है वाक में, पारसी लोग ने आपकी करामत देखे है। आला हजरत आए थे आपसे मिलने, अब्दुल रहमान शाह बाबा आए थे, साईं बाबा आए थे, बहुत बड़ी बड़ी हस्ती आके गए। पारसी लोग और शिया लोग ने आपकी करामत देखे वो टाइम से जब आप हयात थे, वो टाइम से आपकी करामत देखे और पारसी लोग ने वो टाइम से करामत देखे। तो पारसी लोग का सिलसिला भी ऐसे ही चालू है, अभी तक चालू है भाई। और हजरत से मिलने आला हजरत आए थे ना, तो सबसे पहले पूछे थे आप क्या लोगे, तो बोले हजरत आप जो दे वो, तो आपने कावा और कॉफ़ी दोनों दिए थे। हर मुहर्रम के उर्दू की हर 15 तारीख को नियाज होती है, 15वीं शब मनाते हैं हम लोग हजरत की, उसमें कावा भी बटता है कॉफ़ी भी बटती है, कावा हर जुमेरात को बटता है, जुम्मा को भी बटता है। और उरूस आता है आपका मुहर्रम की 14 तारीख को गुसुल होता है और मुहर्रम की 15 को उरूस शुरू हो जाता है, वैसा 10 दिन आपका उरूस चलते रहता है। और 27 तारीख को जनवरी आपकी विलादत शब मनाई जाती है, अभी जनवरी 27 के दिन आपकी विलादत शब मनाई जाती है। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और जिस तरह से आप लोगों ने हिस्ट्री में सुने कि माशाल्लाह आला हजरत आए थे सरकार की बारगाह में सरकार से मिलने के लिए खुद, और माशाल्लाह सैयद हाजी अब्दुल रहमान शाह सरकार भी आए थे हजरत से मिलने के लिए और साईं बाबा भी आए थे इधर पे।
तो इधर पे हर कौम के लोग आते हैं माशाल्लाह। और इधर पे कहा जाता है कि पारसी लोग जो होते हैं वो काफ़ी मानते हैं हजरत को, और शिया कौम के भी लोग इन्हें बहुत मानते हैं माशाल्लाह, और उन्होंने ही ज़्यादातर इनकी करामतें देखी है माशाल्लाह से। तो आगे का अभी क्या कैसा माहौल रहा है मैं आप लोग बताऊंगा गाइस, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। और जो लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के इलाके में भी किसी दरगाह का वीडियो शूट करूं या उधर का ब्लॉग शूट करूं और उनकी हिस्ट्री बताऊं मैं लोगों को, तो माशाल्लाह गाइस आप लोग इसी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं मुझे, या तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे डीएम कीजिए। तो इंशाल्लाह अज़ वज़ल मैं जरूर आऊंगा उधर का वीडियो शूट करने के लिए, या किसी दरगाह का उर्स चालू है तो वो भी मुझे बताइएगा, तो इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगा। तो आप लोग इंस्टा आईडी पे मुझे डीएम कीजिएगा, और चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पे दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। तो शेयर कीजिएगा वीडियो को ताकि जिन लोगों को नहीं मालूम इस दरगाह के बारे में, या जो लोग नहीं आ पाते इस दरगाह में, तो उन लोगों को भी इंशाल्लाह लाइव ज़ियारत करने का मौका मिलेगा मेरे ज़रिए से।